हेलो गाइस, अर्जुन हियर, वेलकम टू सन्नत क्रिकेट टिप्स। तो गाइस, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का फर्स्ट T20 मैच जो भी खेला जाएगा आज रात को 8 बजे। तो गाइस, इस मैच की ड्रीम 11 टीम प्रोवाइड कराऊंगा और ड्रीम 11 के साथ साथ तुम लोगों की इस टीम की भविष्यवाणी करूंगा कि मैच किस तरीके से होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट कर देना और नहीं आता है तो डिसलाइक और अनलाइक कर देना। एनीवे गाइस, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले, सभी को पता है कि कभी अगर मैं एक तुम लोगों को हिंट दे दूं, अगर कोई भी सीरीज, कोई भी जैसे एग्जांपल के लिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज खेलने आती है, तो अगर T20 भी खेलता है, ODI भी खेलता है, तो या ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज जीतेगा या ODI जीतेगा, ये 101% फिक्स रहता है। ऐसा नहीं रहता कि दोनों ही T20 ODI टेस्ट सब हार जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा ही इस चीज़ के साथ होगा कि अभी ODI सीरीज तो मतलब इंडिया ने विन कर ली, अब T20 सीरीज है तो T20 सीरीज इंडिया को हराना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। तो मैच किस तरीके का होगा मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। क्या है कि अभी इस मैच में, अभी लास्ट जो ODI हुआ उसमें नॉन स्टॉप मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली के ना होते हुए भी नॉन स्टॉप इंडिया ने अच्छा स्कोर किया और 200 रन से मैच जीता, ठीक है गाइस। तो इस केस में क्या होता है कि अब लगेगा, अब इसमें रोहित शर्मा विराट कोहली तो T20 सीरीज में भी नहीं होगा, अगर कमबैक करेगा तो रोहित शर्मा करेगा, क्योंकि रोहित शर्मा इजिली फिक्स हो जाता है, समझ रहे हो, ये अंदर की बात बता रहा हूँ। और विराट कोहली थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है कि ठीक है मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं आउट होऊंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि अनलिमिटेड पैसा है, क्योंकि सारी सीरीज तो यार तुम लोगों को समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, सारी सीरीज T20 ODI इंटरनेशनल T20 या IPL जितनी भी लीग होती है सब सिक्स रहती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मतलब क्या है कि थोड़ा सा जो मतलब जो लोग ऑर्डर देते हैं ना कि तुम्हें इस मैच में क्या करना है, तो उस चीज़ को रोहित शर्मा तो इजिली मान लेता है, लेकिन ये थोड़ा क्या है कि बी है ना, ये बी जल्दी से मानता नहीं है। तो इसको ना मतलब 1-2 साल के अंदर देखना, ये T20 सीरीज से ODI से रिटायरमेंट ही हो जाएगा अगर, क्योंकि बात नहीं मान, इनको कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ता गाइस कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है, कौन सा नहीं खेल रहा है, कौन सी सीरीज जीतनी है नहीं जीतनी, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभी अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, संजय दत्त है, इतने बड़े एक्टर है, इतना पैसा है, मोटा पैसा है, फिर भी ना गुटखा, गैम्बलिंग, वेबसाइट, ड्रिंकिंग शराब सब क्रिएट करते हैं ना, तो घंटा भी किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पैसा चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा चाहिए, ठीक है। अभी 1% अगर इंडिया में लीगल हो जाता ना क्रिकेट बैटिंग, तो पता है सबसे पहले सलमान खान, शाहरुख खान जो बड़े टॉप के एक्टर हैं, ये प्रमोशन करते हुए नजर आएंगे। और इस चीज को इन लोगों ने एनालाइज किया है कि यार ये प्रमोशन नहीं करते तो जीरो रहते हैं, कोई कुत्ता भी नहीं पूछता इनको। मतलब कहने का मतलब है कि अभी क्या है कि इससे पहले सनी देओल, बॉबी देओल ये ऐड नहीं करते थे फालतू की, तो देख रहे हो हाल क्या सनी देओल और बॉबी देओल का, समझ रहे हो। लाइव लाइन में बनना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, चाहे गुटखा का ऐड हो, रमी सर्कल का ऐड हो, गैम्बलिंग वेबसाइट का ऐड हो, दारू का ऐड हो, किसी भी चीज का ऐड हो, करना पड़ता है तभी लाइव लाइन में रहते हैं। एनीवे गाइस, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो गाइस, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया का ये मैच है, फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा आज रात को 8 बजे खेला जाएगा। तो गाइस, टॉस जीतेगा यहाँ पर इंडिया फर्स्ट बैट पर आएगा वेस्ट इंडीज, और गाइस जैसे इंडिया टॉस जीतेगा 40-45 पैसे फेवरेट इंडिया होगा, फर्स्ट बैट पर आएगा
वेस्ट इंडीज़, और सिक्स ओवर सेशन ओपन होगा 46-48। ठीक है, ये सेशन तुम लोगों को नोट करना है क्योंकि इसमें बनेंगे सिर्फ 38-40, नोट कर लेना है। 10 ओवर सेशन ओपन होगा 70-72 के बीच में, तो ये सेशन तुम लोगों को यस करना, 15 ओवर भी यस करना। लंबी क्या करना है, लंबी वैसे बता दूं 165-170 के बीच में ओपन होगा, इसको यस करना है या नोट करना है, ये टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। एंड गाइस, 1% टॉस जीतकर इंडिया फर्स्ट बैट पर आ जाता है, तो गाइस किस तरीके का ये एंट्री होगी, 6 ओवर सेशन 50-51 ओपन होगा, इसको तुम लोगों को आंख बंद करके नोट कर लेना है। 10 ओवर सेशन जो भी ओपन होगा लगभग 76-77 के बीच, 78 बीच में ओपन होगा, नोट कर लेना है। ठीक है, 15 ओवर तुम लोगों को यस करना है, जो कि 110-112 के बीच में होगा, यस करना है, लगभग 118 के आसपास स्कोर होगा। लंबी तुम लोगों को नोट करनी है, लगभग लंबी क्या मिलेगी, अगर 120 बन गए ना, 120 बन गए 15 ओवर में, तो लंबी तुम लोगों को मिलेगी 173-175, जिसको तुम लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। अब गाइस तुम लोगों को मैं बताऊं कि मैच किस तरीके से, ड्रीम इलेवन टीम, तो ड्रीम इलेवन टीम भी बना लेते हैं गाइस तुम लोगों के सामने। तो गाइस ये है ड्रीम इलेवन टीम, ठीक है। अब इसमें तुम लोगों को प्रेफर किस टीम को बिन करना है, तुम लोगों को करना है इंडिया को ही बिन करना है, मतलब ड्रीम इलेवन में इंडिया को बिन करना है, तो इंडिया के फेवर में प्लेयर्स सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि गाइस देख रहे हो, मतलब हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा विराट कोहली तो है ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी क्या है, तुम लोगों को कैप्टन किसको बनाना, तुम बना सकते हो संजू सैमसन को, इसके साथ जा सकते हो। बैट्समैन में जाओ, पहले इंडिया के प्लेयर्स सेलेक्ट करते हैं, तो ये जल्दी से आउट हो जाएंगे, तो मुझे लगता है इस प्लेयर्स को, इसको ले लो तुम, यश यादव को ले लिया, इसकी जगह सब जा सकते हो, ठीक है। ऑलराउंडर, ऑलराउंडर हार्दिक, यार इसका डाउट लग रहा है पटेल का, ये खेलेगा नहीं खेलेगा। फाइनल टीम तुम लोगों को टॉस के बाद मैच टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगी। अब मुझे ये लगता है कि देखो 200 रन से हराया तो टीम चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन 1% चहल आ गया तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कुलदीप को और इस सरदार जी को, ठीक है। अभी प्लेयर सेलेक्ट कर ली, अब यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की कर लेते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ का एडमायर बीकिंग, इसको मत लेना क्योंकि ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहेगा, ठीक है यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही प्लेयर होंगे। एनीवे गाइस, और मैं बता दूं इस प्लेयर को सेलेक्ट कर लिया, और फाइनली टीम अभी क्या है, तुम लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन की अपडेट करता हूँ। तुम लोगों को कैप्टन बनाना है इस प्लेयर को, और वाइस कैप्टन तुम लोगों को बनाना है संजू को, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लेना है। और तो गाइस तुम्हारी टीम कुछ इस तरीके से दिखेगी, क्योंकि गाइस इसमें कुछ मुझे दो प्लेयर्स पर डाउट लग रहा है, एक तो है ये पटेल और दूसरा मुझे लग रहा है हेडमायर, कि यार ये इस टीम में देखने को मिलेंगे या नहीं। अगर कुछ भी इसमें क्या है कि फाइनली टीम, ये डिमो टीम है, फाइनली टीम तुम लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और गाइस जैसे कि मैंने बताया, टॉस जीतेगा इंडिया, फर्स्ट बैट पर आएगा वेस्ट इंडीज़, और सारी स्क्रिप्ट बता दी है और इंडिया की भी शो कर दी है, फिर भी इसमें कुछ भी चेंजिंग होता है टेलीग्राम जरूर ज्वाइनिंग कर लेना, टेलीग्राम पर ही अपडेट कर दी जाएगी। और गाइस ये टीम जरूर चेक कर लेना, दुआओं में याद रखना आपका अपना भाई अर्जुन, फाइनल टीम टेलीग्राम पर टॉस मिलने के बाद अपडेट मिल जाएगा। ओके गाइस, इस वीडियो को जितना शेयर लाइक कमेंट कर सकते हो।